हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन द टेस्ट विल कंसर्न ऑफ टू पेपर्स इसमें क्या होता है टू पेपर्स होता है पेपर वन एंड पेपर टू जो दोनों पेपर्स हैं वो क्या होते हैं एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं देर विल बी नो ब्रेक जो हमारा यूजीसी नेट है उसमें कोई ब्रेक नहीं होती मतलब ये दोनों पेपर हमारे तीन घंटे के होते हैं बट जो सी एस आर आई नेट जो मैथ एंड साइंस से रिलेटेड होता है उसमें हमारा पेपर वन एंड पेपर टू होता है दैट मीन्स ब्रेक मिलती है बट यूजीसी नेट में हमें ब्रेक नहीं मिलती सो so, आपका जो पेपर वन एंड टू है वो दोनों कंबाइन होकर आएंगे तो इसका पैटर्न क्या है जो पेपर वन है उसमें आपको हंड्रेड मार्क्स का आएगा और कितने क्वेश्चन होंगे फिफ्टी ऐसी पेपर टू पेपर टू क्या होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है जैसे पंजाबी हिंदी का पेपर इकोनॉमिक्स कमर्स एक्सेट्रा सो उसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चन होंगे मतलब टोटल कितने होंगे वन फिफ्टी क्वेश्चन हो गए और थ्री हंड्रेड मार्क्स का पेपर हो गया इस पेपर में पास होने के लिए आपको सिक्सटी परसेंट चाहिए और द क्वेश्चन इन पेपर वन इटेंड्स टू अ सेंस टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर वन होता है वो क्या होता है टीचिंग बेस्ड होता है मतलब पेपर वन जो होता है वो कंपल्सरी होता है जो पेपर टू है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है सो so ये पेपर क्या है हमारा कंपल्सरी है और ये हमारा क्या होता है तीन घंटे का पेपर होता है और विदाउट एनी ब्रेक और पेपर टू क्या होता है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी मतलब ये जो सभी क्वेश्चन है ये क्या है कंपल्सरी है द एग्जाम शैल बी कनेक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड मतलब हमारा जो पेपर है वो कहाँ पे होगा कंप्यूटर पे होगा पहले क्या होता था पेपर पे होता था बट अब क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है अब इसका मीडियम क्या होता है पेपर का मीडियम आपको पता ही है दो मीडियम होते हैं एक तो इंग्लिश एंड हिंदी आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हो ऑप्शन ऑफ मीडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट मतलब जो मीडियन है उसको आपने केयरफुली चूज करना है क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम यूज कर रहे हो या चूज कर रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में आएगा और अगर आप हिंदी मीडियम यूज कर रहे हो चूज कर रहे हो तो आपको हिंदी मीडियम में ही पेपर आएगा वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही होता है और ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे आपको पूछा जाएगा की आपने इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने या हिंदी मीडियम में द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज मतलब हमारे जो ये ऑप्शन है इंग्लिश या हिंदी ये हमें चेंज नहीं कर सकते कैंडिडेट ओपनिंग फॉर हिंदी मीडियम इन दी एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बी पेपर बट कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वाइज ऑनली मतलब जो हिंदी मीडियम वाले पेपर है वो इंग्लिश वाला पेपर इंग्लिश मीडियम का पेपर देख सकते हैं बट जो इंग्लिश मीडियम है वो हिंदी मीडियम में नहीं देख सकते कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन दीडियम एज पर ऑप्शन एक्साइड इन द्लीकेशन फॉर्म यह भी क्लियर है इनकेस ऑफ एनी इन ट्रांसलेशन

रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी गेट टू मार्क्स मतलब जो हमारे 150 फिफ्टी क्वेश्चन है ये सारे कितने मार्क्स के हैं टू मार्क्स के हैं क्योंकि क्लियर है कि ये डबल है तो सारे क्वेश्चन किसके हैं कितने मार्क्स के हैं टू मार्क्स के हैं देर इज नो नेगेटिव मार्किंग जो हमारा यूजीसी नेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट जो सी एस आर नाइट सी एस आर नेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो मैथ साइंस से रिलेटेड होता है या फिजिक्स से रिलेटेड होता है बट यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अन आंसर्ड मतलब जब को, आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा इसलिए आपने पूरे डेढ़ सौ के डेढ़ सौ क्वेश्चन करके आने क्योंकि आपको तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट हमें मैथ्स वालों में को मुश्किल हो गया क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग है हमारे पेपर में इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकोरेक्ट ड्यूरिंग दी की चेंज ऑनली दो कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चूज वन ऑफ करेक्ट आंसर वुड बी गिवन मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत टिक हो गया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो ओनली फॉर जब तक आपने सबमिट नहीं किया अगर आपने वो क्वेश्चन सबमिट कर दिया देन आप चेंज नहीं कर सकते इफ एनी मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल दी कैंडिडेट सो ये था आपका यूजीसी नेट का पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में हम यूजीसी नेट जो पेपर वन है जर्नल एप्टीट्यूड उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे थैंक यू